हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश और आज हम स्टार्ट करेंगे सर्जरी। ठीक है, मैंने ऑर्थो आपका कंप्लीट करा दिया है। ऑर्थो आपका अपलोड हो गया है आपका। ठीक है, आपके मेरे चैनल चैनल में। और आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल सर्जरी, जो कि कौन सा बुक है, SRB। ठीक है, आपकी जो ऑल ओवर इंडिया में हम जो MBBS एग्जाम फाइनल ईयर एग्जाम की जो बुक पढ़ते हैं वो SRB पढ़ते हैं और एक मणिपाल पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप या तो मणिपाल ले सकते हो या फिर SRB ले सकते हो। लेकिन देखो, आप अगर मेरे वीडियो देखोगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, उसमें क्या ट्रीटमेंट है। दोनों में कंटेंट सेम ही है, दोनों में आपको सेम ही चीज बताया गया है। ठीक है, बस किसी में थोड़ा ज्यादा, किसी में थोड़ा कम। तो आप मेरा वीडियो देखना, और अगर SRB पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि हूबहू आप SRB पूरा आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और अगर आप मणिपाल पढ़ रहे हो तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में आते हैं। इस चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हमको पढ़ना है वुड्स क्या होता है। ठीक है, उसके वुड्स को अपन कैसे क्लासिफाई किए हैं, वुड हीलिंग क्या होता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है, क्रश इंजरी क्या होता है। ठीक है, क्रश सिंड्रोम दो से दो दोनों से एक है, और क्लियोइड इंपॉर्टेंट है, और हाइपरट्रॉफिक स्कार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वुड्स वुड्स क्या होता है, वुंड इज अ ब्रेक इन द इंटेग्रिटी ऑफ द स्किन और टिश्यू ऑफन, है ना। वुंड क्या है कि आपका जो स्किन में या टिश्यू में अगर ब्रेकिंग हो गया है, उसके इंटेग्रिटी में ब्रेक हो गया है, उसको हम वुंड बोलते हैं। जिसपे क्या होगा, उस टिश्यू का, उस ऑर्गन का स्ट्रक्चर और फंक्शन में आपके दिक्कत आएगा, डिसेप्शन होगा। ठीक है, अ वुंड इज अ ब्रेक इन द इंटेग्रिटी ऑफ द स्किन और टिश्यू ऑफन विच मे बी एसोसिएटेड विद डिसेप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वुंड इज सिंपली अ डिस्टर्बशन ऑफ एनी टिश्यू। ठीक है, वुंड क्या है, सिंपली क्या है, वो कोई भी टिश्यू का डिस्टर्बशन हो रहा है। वुंड सिंपली अ डिस्टर्बशन ऑफ एनी टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू हो सकता है, वो बोन हो सकता है, और इंटरनल ऑर्गन हो सकता है। ठीक है, टिश्यू में क्या हो सकता है, टिश्यू आपका सॉफ्ट टिश्यू भी हो सकता है, बोन भी हो सकता है, और आपका इंटरनल ऑर्गन भी हो सकता है। अल्सर अल्सर इज डिस्टर्बशन और ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ एनी लाइनिंग। ठीक है, देखो वुंड का एक टाइप है अल्सर। ठीक है, अल्सर में क्या होता है कि आपका लाइनिंग जो है ना वो ब्रेक होता है। वुंड में क्या होता है, टिश्यू का ब्रेकिंग होता है। ठीक है, स्किन और टिश्यू ऑफन विच मे बी एसोसिएटेड विद द डिस्टरप्शन ऑफ द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अल्सर में क्या होगा, आपका कंटिन्यूटी में लाइनिंग में आपका ब्रेक होगा, मे बी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और अदर्स। अल्सर क्या है, इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द वुंड। ठीक है, ये हो गया आपका वुंड का डेफिनेशन हो गया। सिंपल से हिंदी में क्या बोलूंगा आपको मैं, कि कोई भी टिश्यू का आपका लाइनिंग में, आपका उसका स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी में आपका ब्रेक हुआ है ना, आपका इंटेग्रिटी में ब्रेक हुआ, जिसके कारण उसका फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर जो है वो लॉस हो गया। ठीक है, फिर कम हो गया। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड। ठीक है, तो वुंड में अपन आप FMT में पढ़ोगे थर्ड ईयर में, तो आपका एक होता है रैंक एंड वेग फील्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, रैंक एंड वेग फील्ड क्लासिफिकेशन, ये क्या बोलता है कि वुंड को डिवाइड किया है, पहला टाइडी वुंड, दूसरा अनटाइडी वुंड, तीसरा नहीं, बस दो ही है इसका। ठीक है, टाइडी वुंड और अनटाइडी वुंड, ट्रांसफर चल रहा है। टाइडी मतलब साफ सुथरा। ठीक है, तो टाइडी मतलब क्या है, दे आर वुंड लाइक सर्जिकल इंसिजन एंड वुंड कॉज बाय शार्प ऑब्जेक्ट। ठीक है, टाइडी वुंड मतलब कि जो वुंड आपके सर्जिकल, जैसे कि नाइफ हो गया है ना, आपको कुछ चाकू या फिर कोई धार वाला चीज हो गया जिससे आपका वुंड हुआ है, कॉज हुआ है, वो आपका टाइडी वुंड होगा। और ये जो होगा ना, ये इट इज इनसाइज इनसाइज रहेगा, क्लीन रहेगा, हेल्दी वुंड रहेगा, विदाउट एनी टिश्यू लॉस, इसमें कोई टिश्यू का लॉस नहीं होगा। ठीक है, यूजली प्राइमरी सुचरिंग इज डन। ठीक है, अपन मेनली क्या करते हैं, प्राइमरी सुचरिंग करते हैं, सेकेंडरी करने की जरूरत नहीं है, ये प्राइमरी इंटेंशन से ठीक हो जाता है। ठीक है, फिर इज अ प्राइमरी इंटेंशन। ठीक है, और टाइडी होगा। अनटाइडी क्या है, अनटाइडी के अंदर बहुत सारे आते हैं, क्या क्या आता है, क्रशिंग हो गया, टियरिंग हो गया, है ना, कोई क्रश कर गया आपका, जैसे कि मोटर साइकिल एक्सीडेंट हो गया है, या टियर हो गया आपका पूरा, है ना, टिश्यू आपका एवर्जन हो गया है, डिविटलाइज इंजरी हो गया है, वास्कुलर इंजरी, मल्टीपल इनरेगुलर वुंड और बर्न, ये आपका पूरा अनटाइडी वुंड हो गया। इसमें क्या होता है, ये आप पे ना थोड़ा सा आपका ये अनक्लीन रहेगा, अच्छा नहीं, साफ सुथरा नहीं रहेगा ये, है ना, एकदम अनक्लीन रहेगा, इसका बॉर्डर जो है रेगुलर नहीं रहेंगे, इरेगुलर रहेगा, रफ रहेगा, है ना। और इसपे क्या बोलते हैं, ये सेकेंडरी इंटेंशन से ठीक होता है, ये प्राइमरी से ठीक नहीं होगा। इसमें आपको देखो, फ्रैक्चर तो अंडरलाइंग बोन में भी प्रेजेंट, इसमें फ्रैक्चर हो सकता है। वुंड डिहिसेंस इंफेक्शन डिलेड हीलिंग आर कॉमन, इसमें हीलिंग जो है वो बहुत लेट होगा, डिलेड होगा। ठीक है,
इस पे क्या करेंगे अपन, सेकेंडरी सुथरिंग करेंगे। अब बहुत ज्यादा स्किन का पूरा उखड़ पुखड़ हो गया है तो अपन स्किन का ग्राफ्ट करेंगे या फ्लैप लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया, ये कौन सा क्लासिफिकेशन है, रैंक फील्ड वाला क्लासिफिकेशन है। अब आता है टाइप ऑफ वुंड में, ठीक है। टाइप में क्या होगा, क्लीन इंसाइज्ड वुंड, लैसेटेड वुंड, आपका ब्रूस और कंट्यूजन, हेमाटोमा, ठीक है, एब्रेशन, पंचर वुंड और बाइट्स, पेनिट्रेटिंग वुंड, ट्रैक्शन एंड अवर्जन इंजरी, क्रश इंजरी, ठीक है, गनशॉट इंजरी, इंजरी टू बोन एंड जॉइंट्स, इंजरी टू नर्व आर्टरी वीन, क्लोज्ड बंट ब्लंट इंजरी, ये आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अपन इसको एग्जाम में पूरा ये नहीं आएगा, आपके एग्जाम में वुंड आएगा तो पूरा बोलेगा वो कि आप उसको क्लासिफाई बताओ, उसके फीचर्स बताओ, उसके मेन मैनेजमेंट बताओ, है ना, उसके आपका हीलिंग का पार्ट बताओ। तो आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, पहले अपन क्या पढ़ लिए, अनटैडी और टैडी, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेना, रैंक फील्ड क्लासिफिकेशन होता है वो। अब दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, कि टाइप कौन सा है, क्लीन इंसाइज वुंड हो सकता है, इसमें क्या होगा वही टाइडी वुंड का लिख देना उसको, ठीक है। कोई नाइफ से हुआ है ना, इंसाइज हुआ है, उसको शार्प जो है वो एकदम रेगुलर रहते हैं, ठीक है, क्लीन रहता है, ठीक है, हीलिंग जल्दी होता है इसमें, ठीक है। और आपका ये सेकंड में क्या होगा, लेसेटेड वुंड, इसमें क्या है, आपका लेसेशन हुआ है, आपका जो इसमें जो एज है वो इरेगुलर रहेंगे, वो रेग्ड रहेंगे, उठा हुआ रहेगा वो, ठीक है। और फिर क्या है इसमें, कि इसमें आपका स्किन और एपिथेलियम जो है वो आपका, और एपिथेलियम स्किन और डर्मिस तक भी इसका होता है इंजरी, ठीक है। अब आते हैं ब्रूस, ब्रूस में क्या है, ब्रूस में आपका जो स्किन है वो इंटैक्ट रहता है, ये इंटरली आपको कॉज करता है वो, जिस पर देखोगे आपको कुछ चोट लग जाता है तो आपको स्किन वैसे वैसे रहता है, लेकिन आपके स्किन के बाहर ना एक ब्लूइश कलर का दिखता है, डिस्कलरेशन, है ना, उसको बोलते हैं ब्रूश, ब्रूश या फिर कॉन्ट्यूजन बोलते हैं, ठीक है। ये मेनली अंदर के टिश्यू को डैमेज करता है। और आपके हेमाटोमा क्या आएगा, हेमाटोमा जो होता है ना वो एक टाइप है ब्रूस का, कॉन्ट्यूजन का, जिसमें होता है क्या कि ना कुछ से अंदर इंजरी हुआ है जिसके कारण क्या होगा, ब्लड जो है ना कलेक्ट हो जाएगा, ब्लड कट हो जाएगा, तो एक ब्लड का कलेक्शन दिखेगा जिसे पस हो सकता है, उसके बाद है ना पस हो जाएगा, वो एक अलग से अपना मास बना देगा, तो वो आपका हेमाटोमा होता है, ठीक है। और फिर हम आते हैं आपकी एब्रेशन, एब्रेशन में क्या, ये बहुत ही सुपरफिशियल इंजरी होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे अगर साइकिल से गिर गए होंगे, स्क्रैच आता है, स्क्रैच उसको बोलते हैं स्क्रैच एब्रेशन, ग्रीज एब्रेशन, ये टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ आपका एपिथेलियम डैमेज होता है, आपका जो डर्मिस है वो इंटैक्ट रहता है, ठीक है। और अगर पंचर वाउंड, पंचर वाउंड बाइट्स क्या है कि आपका ना इसमें क्या होता है कि ना एक स्टैब वाउंड, मतलब कि कोई चाकू आपको घुपता है ना कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से, वो पंचर होगा, ठीक है। पंचर होगा मतलब कि वो आर पार नहीं हुआ है लेकिन आपका गड्ढा कर दिया है, ठीक है। और पेनिट्रेटिंग वाउंड में क्या होगा, वो आर पार हो गया, ठीक है, पेनिट्रेट कर दिया है, क्योंकि आपके सामने चेस्ट से सिर्फ गन शॉट इंजरी हो गया, वो आपका पेनिट्रेटिंग में आ जाएगा, ठीक है। ट्रैक्शन एवल्जन इंजरी, इसमें वही है आपका कि कॉम्प्लेक्स इंजरी है जहाँ पे आपका जो टिश्यू है वो डिस्प्लेस हो जाता है आपकी जगह से, ठीक है। क्रश क्या है कि कोई आपका जो ऑर्गन है वो क्रश हो गया, जैसे कि आपका मेनली क्या होता है, मोटरसाइकिल आप जा रहे हो, आपका हो गया एक्सीडेंट, हो गया रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें आपका जो ऑर्गन है वो क्रश हो गया, ठीक है, आपको पूरा ऊपर चढ़ गया आपके, तो वो क्रश हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें आपका क्या फीचर दिखेगा, ये बहुत मुश्किल होता है इसको ठीक करना, इसमें हम लोग को मेनली एम्पुशन कराना पड़ता है ना उस पार्ट का, क्योंकि इसका आप ठीक नहीं कर सकते, वो पूरा क्रश हो गया, उसका स्किन, उसका टिश्यू, उसका पूरा एपिडर्मिस डर्मिस पूरा उसका हिल गया है, ठीक है, पूरा का अलग अलग हो गया है, पूरा चितर पितर हो गया है, तो ठीक करना बहुत मुश्किल होता है इसमें, ठीक है, क्रश में। और फिर आते अपन गन शॉट, वही है आपका गन शॉट जो है आर पार हो जाता है, पेनिट्रेट कर देता है, ठीक है। और फिर बोन और जॉइंट में इंजरी हो सकता है आपका, ठीक है, इतना काफी है। अब आते हैं अपन तीसरा क्या है, थिकनेस के बेस पे, पहला क्या था कि वो रैकफील्ड क्लासिफाई किया था अनटैडी और टैडी, दूसरा क्या था टाइप्स कौन से आपको लिख देना इस पे, थोड़ा पॉइंट लिखना, थर्ड क्या है कि थिकनेस कैसा है उसका, ठीक है, थिकनेस ऑफ द वुंड। पहला क्या है, सुपरफिशियल वुंड, मतलब इसमें आपका जो डर्मिस है वही बस गया, एपिडर्मिस है वही गया हुआ है, ठीक है, डर्मिस और आपका जो है वो डर्मिस जो है आपका इंटैक्ट है, लेकिन डर्मिस में पार्ट होते हैं पैपिला होता है, तो डर्मल पैपिला भी इसमें गायब हो जाता है, ठीक है, सुपरफिशियल वुंड। और फिर आता है पार्शियल थिकनेस, इसमें क्या है आपका स्किन जो है आपका डीप डर्मिस तक जाएगा, लेकिन जो सबसे डीपेस्ट पार्ट ऑफ डर्मिस है वही तक ही जाएगा, आपके हेयर फॉलिकल शाफ्ट और स्वेट ये आपका छूट जाएगा, हेयर फॉलिकल और शाफ्ट और उसका स्वेट ग्लैंड जो है वो आपका छूट जाएगा, ये क्या होगा पार्शियल थिकनेस,
फुल में क्या होगा, इसमें पूरा एंटायर स्किन, लॉस ऑफ एंटायर स्किन होगा एंड सबकुटेनियस टिश्यू, ठीक है, इसमें आपका जो जाएगा आपका सबकुटेनियस टिश्यू भी जाएगा, कॉजिंग स्पेसिंग आउट ऑफ स्किन एजेस, ठीक है। सबको क्या हुआ, सुपरफिशियल वुंड हो गया, पार्शल थिकनेस, फुल थिकनेस। अब आते हैं डीप वुंड, ठीक है। डीप में क्या है कि ये और डीप जाएगा, ठीक है, और डीप जाएगा तो डीप फेशिया तक चल देगा, मतलब कि मसल्स तक चल देगा ये, ठीक है, मसल्स में और डीपर मतलब बोन तक चल देगा। अब आता है कॉम्प्लिकेटेड वुंड, जिसमें क्या है आपके वेसल्स और नर्व्स को ये डैमेज करेगा, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। एक आता है पेनिट्रेटिंग वुंड, इसमें क्या होता है आपका, ये इज वन विच पेनिट्रेट इनटू आइदर नेचुरल कैविटी और ऑर्गन, या फिर पूरा कैविटी के अंदर चला गया, पेनिट्रेट कर दिया, चेस्ट कैविटी हो गया है, थोरैक्स कैविटी हो गया आपका, एब्डोमेन वाला हो गया, उसके अंदर पूरा चला गया, ये तो पेनिट्रेटिंग हो गया। ये क्या था, थिकनेस पे बेस पे था, क्या क्या आपका सुपरफिशियल थिकनेस आपका, फिर पार्शियल थिकनेस, फुल थिकनेस आपका, फिर कॉम्प्लिकेटेड नहीं डीप, फुल थिकनेस, डीप वाउंड, कॉम्प्लिकेटेड वाउंड और आपका पेनिट्रेटिंग वाउंड, ठीक है। तो सुपरफिशियल में क्या था आपका, मेनली एपिडर्मिस गायब हुआ है और डीप डर्मिस आपका जो डर्मल का पैपिल है वहां तक आपका इन्वॉल्व हुआ है। पार्शियल में क्या आएगा, आपके डर्मिस भी गया है डीप में, लेकिन आपका हेयर फॉलिकल शाफ्ट और स्वेट ग्लैंड जो है छूट गया है आपका। फिर डीप में क्या होगा कि आपका डीप फेशिया तक चला गया है, ठीक है, आपका मतलब कि वो मसल तक को भी चला गया है। और फिर डीप हो गया, कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब वो वेसल्स, नर्व वेसल्स और आपके आर्टरी को कॉज कर रहा है, ठीक है, इन्वॉल्व कर रहा है। और पेनिट्रेट मतलब क्या है कि वो आपकी कैविटी के ऊपर पेनिट्रेट कर दिए, ये आगे आपका थिकनेस है। अब आते हैं आपके स्ट्रक्चर कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, एक है आपका सिंपल वाउंड, एक है आपका कंबाइंड या कॉम्प्लेक्स वाउंड, ठीक है। इजी है, सिंपल मतलब क्या है कि वो सिर्फ एक ही ऑर्गन को, एक ही टिश्यू को इन्वॉल्व कर रहा है, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है कि वो एक से ज्यादा को इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स वाउंड और सिंपल वाउंड। अब आते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइम इलेप्स, कितना टाइम हुआ है। देखो एक होता है एक्यूट वाउंड, एक होता है क्रोनिक वाउंड, आप इसे पूरा याद नहीं करना, हमको लिख तो पाएंगे नहीं अपन, तो पर पढ़े क्यों था। तो अपन एक्यूट वाउंड में क्या होता है, एक पॉइंट याद रखेंगे, अगर आपका 4 वीक से पहले तक आपको हीलिंग का साइन दिख जा रहा है तो वो एक्यूट वाउंड है, ठीक है। एज इज जनरली डिफाइंड एज प्रोग्रेस थ्रू द नॉर्मल फेज ऑफ हीलिंग एंड टिपिकली शो साइन ऑफ हीलिंग इज लेस देन 4 वीक, ठीक है। 4 वीक के पहले दिखा रहा है तो वो एक्यूट होगा, 4 वीक के बाद दिखा रहा है क्रोनिक होगा। आपसे क्या याद रखना, 4 वीक याद रखना, ठीक है, एक्यूट और क्रोनिक, टाइम कितना लग रहा है। अब नीचे आते हैं हम, नीचे क्या है, हाँ ये मेन है, ठीक है, अगर एग्जाम में आया है आप ऊपर का ये थिकनेस का टाइप का लिखो ना को चलेगा, लेकिन वो एग्जामिनर जो है वो देखेगा आपने सर्जिकल वाउंड को क्लासिफाई किया कि नहीं किया है, और ये खुद पांच पास में आता है, ठीक है। तो सर्जिकली वाउंड जो होता है वो कैसे क्लासिफाई है, वो 4 टाइप पे क्लासिफाई है। पहला क्लीन वुंड, जिसमें आपका जो वुंड क्लीन रहता है। दूसरा क्लीन तो है लेकिन थोड़ा सा कंटेमिनेटेड भी है, क्लीन कंटेमिनेटेड वुंड। तीसरा क्या है, कंटेमिनेटेड वुंड। और चौथा क्या है, बहुत डर्टी वुंड है, ठीक है, डर्टी वुंड, जिसका आपको पूरा जो होता है आगे पढ़ेंगे किस पे किस पे दिखता है, ठीक है। तो पहला क्या, अपन पहले याद करते हैं, टाइप से याद करते हैं, पहला क्या है क्लीन वुंड, दूसरा क्या है क्लीन भी है लेकिन थोड़ा सा कंटेमिनेटेड है, क्लीन कंटेमिनेटेड वुंड। तीसरा क्या है, कंटेमिनेटेड वुंड। और चौथा क्या है, डर्टी वुंड, ठीक है। तो क्लीन वुंड में क्या क्या आता है, क्लीन मतलब क्या है, जो बाहर से हुआ है ना तो क्लीन है, हार्नियोग्राफी, हार्नियोहाफी है ना, और एक्सीजन, एक्साइज किया हुआ थोड़ा सा, सर्जरी किसका, ब्रेन का, जॉइंट का, हार्ट का और ट्रांसप्लांट का, ट्रांसप्लांट का, ठीक है, ये आपका क्लीन वुंड होगा। क्या क्या है, हार्नियोग्राफी, आप एक्साइज किए हो, कोई एक्सीजन दिए हो है ना, और आप क्या बोलते हैं, कोई ब्रेन का आप सर्जरी किए हो, जॉइंट्स का किए हो, हार्ट का किए हो, या फिर कोई ट्रांसप्लांट किए हो, ये आपका क्लीन वुंड में आता है, ठीक है। अब आते हैं क्लीन कंटामिनेटेड वाउंड में आते हैं, उसमें क्या आएगा आपका, क्लीन तो है थोड़ा सा इसमें कंटामिनेशन रहता है, इन्फेक्शन होने चांसेस ज्यादा रहता है, तो इसमें क्या आएगा, एपेंडिक्टॉमी, बॉवल सर्जरी, गैस्ट्रोजिनोस्टॉमी, गॉल ब्लैडर, बिलियरी, पैंक्रियाटिक सर्जरी, ठीक है, ये हो गया आपका। जितने भी आपके एडोन का होता है सर्जरी होता है, जैसे कि आपका अपेंडिक्स का आप सर्जरी कर रहे हो है ना, अपेंडिक्स हो गया, और आपके जितने भी हेपेटोबिलर सिस्टम है, जैसे आपका गॉल ब्लैडर आ जाएगा, ठीक है, गॉल ब्लैडर आपका, क्या बोलते हैं, बिलियरी, ठीक है, आपका पैंक्रियाटिक, ठीक है, पैंक्रियाटिक, और फिर हम आते हैं, ये तो क्या आपका क्लीन कंटामिनेटेड वाउंड में आ गई है। अब आते हैं हम लोग कंटामिनेटेड वाउंड में आते हैं, ठीक है,
उसमें क्या आएगा, एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशन। कोई भी एब्डोमन का कंडीशन हुआ है वो एक्यूटली है उसमें आएगा, या फिर ओपन फेस एक्सीडेंटल वाउंड, ठीक है, ये दो ठोके कौन सा है, एक्यूट एब्डोमिनल या फिर दूसरा क्या है कि आपका एकदम फ्रेश फ्रेश जो है ओपनली वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से उसका केस आया है, ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ये आपका क्या होगा, कंटामिनेटेड वुड में आएगा। अब आते हैं डर्टी इन्फेक्टेड वुड, जैसे बहुत ज्यादा गंदगी हो गया, तो जितने भी गंदे गंदे मटेरियल से जैसे कि फिशेस हो गया है ना, फिशेस यूरिन सब में आएगा ये। तो एब्सिस, देखो एब्सिस क्या है, एब्सिस क्या होता है, वो पस से बनता है, पस क्या है, गंदगी है, तो ये आपका डर्टी वुड में आ जाएगा। एब्सिस का ड्रेन कर रहे हो, पायोसिल, पायोसिल क्या है, कोई भी बैक्टीरिया से आपका इन्फेक्शन हुआ है, पायोसिल है ना वो, आपका गॉल ब्लैडर का एम्पाइमा हो गया है, ठीक है, फीकल पेरिटोनाइटिस ये हो गया, तो क्या याद रखोगे इसमें, एब्सिस, इसमें एब्सिस लिख सकते हो आप, है ना, आप पस को ड्रेन कर रहे हो, पस का लिख सकते हो इसमें आप, है ना, आप फीकल का, आप फीकल पेरिटोनाइटिस कर रहे हो, है ना, पेरिटोनाइटिस, ठीक है, ये याद कर लो आप। और फिर उसके बाद ये आपका हो गया, ठीक है, अब हम पढ़ लिए वुड का, वो पढ़ लिया हम लोग, क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, ये एक टॉपिक खत्म हुआ। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं वुड क्लासिफिकेशन जल्दी जल्दी से। पहला क्या था, पहला था आपका रैंक एंड वेक फील्ड था, वो क्या होता है, अनटैडी टैडी, ठीक है, अनटैडी किससे, टैडी अनटैडी टैडी किससे, प्राइमरी इंजेक्शन ठीक हो जाता है वो, कोई भी इंसिजन हो गया है तो शार्प ऑब्जेक्ट से, अनटैडी मतलब क्रश इंजरी, एवल्जन, लेसरेशन, ब्रूसेस, ब्रूसेस हो गया, कॉन्ट्यूजन, वो सब आ जाएगा, ठीक है, आपका अट्रैक्शन वो सब आएगा। और फिर आते हैं अपन टाइप ऑफ इंजरी, मतलब आपका इंसिजन वाला हो गया है ना, आपका क्लीन इंसाइज वुंड है ना, आपका अवल्जन, आपका एब्रेशन, आपका लैसरेशन, आपका क्या बोलते हैं क्रश इंजरी, गनशॉट इंजरी, कॉन्ट्यूजन, हेमाटोमा, ठीक है, और क्या चाहता है, पेंटेटिंग वाउंड, आपका परफोरेटिंग वाउंड, और फिर आपका चाहता है पेंटेटिंग हो गया, परफोरेटिंग हो गया, और इतना काफी है। और फिर बोन्स और जॉइंट्स को वो हो जाएगा, वो पढ़े थे हम लोग है ना, बोन्स जॉइंट का उसपे आपका दिक्कत होगा, तीसरा आ जाएगा टाइप्स में आएगा, फिर क्या आएगा थिकनेस, थिकनेस में क्या है आपका सुपरफिशियल थिकनेस है, फिर आपका पार्शियल है, फिर डीप है, फिर आपका कॉम्प्लेक्स है, और फिर आपका पेनिट्रेटिंग वुंड है, ठीक है। और फिर अपन आते हैं कि उसका वो क्या है, उसके टाइप्स मतलब कि उसके सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है, कितने अपने उसको वो कर रहा है, सिंपल मतलब क्या है एक ही ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रहा है, और कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स मतलब एक से ज्यादा की ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि ये पढ़ा अपन है ना, सिंपल और कंबाइंड कॉम्प्लेक्स। फिर हम पढ़े टाइम क्या है, एक्यूट और क्रोनिक, एक्यूट में क्या लिखोगे, चार वीक से कम में आपको हीलिंग का प्रोसेस देखने को मिल जा रहा है, और क्रोनिक में क्या है, चार वीक से ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा आपका सर्जिकल वुंड का पढ़ा, जिसमें क्या है क्लीन वुंड था, फिर क्लीन कंटामिनेटेड, फिर कंटामिनेटेड, और फिर डर्टी। फिर मतलब क्या है, आप कोई भी आप इंसिजन दे रहे हो है ना, फिर आप क्या बोलते हैं ब्रेन का, फिर जॉइंट का, हार्ट का है ना, ट्रांसप्लांट का, ट्रांसप्लांट उसमें आपका क्लीन वुंड आ जाता है। और फिर अपन सेकेंड आते हैं अपन क्लीन कंटामिनेटेड, इसमें क्या होगा आपका जितने भी आपका वो है हेपेटोब्लेटल सिस्टम के, जैसे कि आपका एपेंडेक्टोमी हो गया, आपका गॉल ब्लैडर का सर्जरी हो गया है ना, बिलरी सर्जरी हो गया आपका, ठीक है, बाइल डक्ट सर्जरी हो गया है, ठीक है, पैंक्रियास सर्जरी हो गया है, उसमें होगा ये, ठीक है। अब आते हैं अपन सिंपल कंटामिनेटेड में आते हैं, इसमें क्या है कि आप आपका जो एब्डोमिन का इन्फेक्शन है, एक्यूट एब्डोमिन उसमें आ गया उसका, ठीक है, इसमें इन्फेक्शन हुआ है, और कोई भी फ्रेश आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है उसमें आ गया आपका, ठीक है। फिर थर्ड में फोर्थ में आते हैं अपन डर्टी वुंड, डर्टी क्या है, जैसे डर्टी जैसे पस हो गया, पस ड्रेन कर रहे हो, एब्सिस का ड्रेनेज कर रहे हो आप है ना, आप फीकल पेरिटोनाइटिस हो गया आपका, ठीक है, और फिर आपका फीकल पेरिटोनाइटिस हो गया है, और क्या सकता है, हाँ पायोसिल हो गया, ठीक है, ये आपको हो जाएगा, ठीक है, ये पढ़िए अपन, वो पढ़ लिया। अब आते हैं अपन हीलिंग, वुंड हीलिंग, ये अलग टॉपिक है, वुंड हीलिंग कहाँ है, ये रहा वुंड हीलिंग, ठीक है। अब ये कि वुंड जो बनता है, अब वुंड हील कैसे करता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो वुंड हीलिंग क्या है, वुंड हीलिंग इज अ कॉम्प्लेक्स मेथड टू अचीव एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ डिस्टर्बेड टिश्यू बाय वेरियस कंपोनेंट लाइक न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट, कोलाजन। ये क्या बोल रहे हैं कि वुंड हीलिंग जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स मेथड है, जिसमें क्या होता है ये आप हम अचीव करते हैं, इसी की हमारा क्या होता है वुंड, वुंड क्या था, वुंड में क्या था कि हमारा जो टिश्यू का ब्रेक हुआ था है ना, इंटीग्रिटी खराब और ब्रेक हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का जो हमारा है इंटीग्रिटी वो लॉस हो रहा था,
वो डीलिंग में क्या होता है कि एक एक ऐसा एक ही वो है, मेथड है, कॉम्प्लेक्स मेथड है, जिसमें आपका वो एनाटॉमिकल और फंक्शनल को रिगेन करता है, इंटीग्रिटी को वापस लेके आता है, ठीक है। तो किससे लाएगा वो, जैसे कि उसपे क्या क्या वर्क करेगा, न्यूट्रोफिल वर्क करेगा, मैक्रोफेज वर्क करेगा, लिम्फोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन, है ना, इन एन ऑर्गेनाइज्ड स्टेज, है ना। ऐसा नहीं कि कभी न्यूट्रोफिल आ रहा है तो कभी फाइब्रोब्लास्ट आ रहा है, ऐसा नहीं होता। एक ऑर्गेनाइज वे में काम करता है, एक कॉम्प्लेक्स मेथड है, इस पे काम करता है। तो दिया भी है, एक पाथवे दिया हुआ है। कैसे पाथवे है, पहले क्या होगा, पहले हीमोस्टेसिस होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये एक आपका वो है, क्या बोलते हैं, एक सेल है, ठीक है, टिश्यू है। वुंड आया, एक आपका कुछ आपका वुंड हुआ है ना, कुछ इंजरी हुआ, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक हो गया तो पहले क्या होगा, ब्रेक होगा ना, तो पहले क्या होगा, ब्लड आएगा, ठीक है। ब्लड आएगा, वहां पे हीमोस्टेसिस का फॉर्मेशन होगा। हीमोस्टेसिस हुआ, अब हीमोस्टेसिस होने के बाद आपका वहां पे होगा इन्फ्लेमेशन, क्योंकि अगर वहां पे इंजरी हुआ है, वहां पे इन्फेक्शन हुआ है, तो आएगा इन्फ्लेमेशन। फिर क्या होगा, प्रोलिफरेशन होगा, फिर वहां पे मैट्रिक्स का बनेगा, मैट्रिक्स मैट्रिक्स कौन बनाएगा, कोलेजन बनाएगा, प्रोटोग्लाइकन बनाएगा, फिर मैचुरेशन होगा, फिर रीमॉडलिंग होगा, फिर एपिथेलियल टिश्यू बनेंगे, और फिर वुंड का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। ये होगा आपका, तो क्या स्टेज क्या है इसका, स्टेज क्या है, यहाँ स्टेज में थोड़ा कम दे दिया है, हम यह स्टेज याद करेंगे। पहले क्या होगा, स्टेज में आपका पहले हीमोस्टेसिस होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, आपको ब्लड आया, फिर क्या होगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है। इन्फ्लेमेशन के बाद क्या होगा, वहां पे देखो इन्फ्लेमेशन हुआ, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होगा, पॉलिफेशन होगा, फिर आपके पॉलिफेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि पॉलिफेशन कौन कराएगा, फाइब्रोब्लास्ट मेनली कराता है, फिर वहां पे मैट्रिक्स का सिंथेसिस होगा, ठीक है, मैट्रिक्स बनेगा, जो कौन बनाएगा, कोलेजन बनाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, मैट्रिक्स बन गया, उसके बाद क्या होगा, वो मैट्रिक्स बनने के बाद आपका मैच्योर, हाँ, जो आया कोलेजन वो मैच्योर होगा, और फिर रीमॉडलिंग होगा, मैच्योरेशन होगा, जो कोलेजन आके मैट्रिक्स बनाया है वो मैच्योर होगा, मैच्योरेशन, और फिर क्या होगा, रीमॉडलिंग, ठीक है। एक रीमॉडलिंग होगा, और फिर क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, एपिथेलाइजेशन, ठीक है। और फिर क्या होगा, आपका लास्ट स्टेज क्या होगा, आपका एपिथेल हो गया है, फिर आपका वुंड का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो कि माइक्रो मायोफाइब्रोब्लास्ट बनाएंगे, ठीक है, वुंड का कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है। ये होगा, ऐसे आप इसका पासे बना के आना है, ठीक है। ये आपका हो गया स्टेज हो गया। अब आता है टाइप, दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी हीलिंग, एक होता है सेकेंडरी हीलिंग, ठीक है। प्राइमरी हीलिंग जो पहले होता है, जो कि फर्स्ट इंटेंशन से होता है, और सेकेंडरी हीलिंग जो कि सेकेंड इंटेंशन से होता है। प्राइमरी क्या होगा, इट अकर्स इन अ क्लीन इंसाइज वुंड और सर्जिकल वुंड, ठीक है। ये हमेशा कहाँ अकर होता है, पड़े तपन टाइडी वुंड में, क्लीन इंसाइज वुंड है, फिर सर्जिकल वुंड है, वहां पे प्राइमरी हीलिंग से होता है। वुंड एजेस आर अप्रोक्सीमेटेड विद सूचर्स, ठीक है। वुंड के एजेस एजेस को वो क्या दिखेगा हम लोग को, सूचर सूचिंग करने दिखेगा, एक सूचर्स दिखेगा हम लोग को। देयर इज मोर एपिथेलियल रीजनरेशन देन फाइब्रोसिस, इससे फाइब्रोसिस कम होता है, एपिथेलियल का जो रीजनरेशन है ज्यादा होता है। और देखो ये है कि ना, एपिथेलियल का बनना ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू फाइब्रोसिस, क्यों। फाइब्रोसिस क्या करता है, वो ना मसल को टाइट कर देता है, उसको कॉन्ट्रैक्शन आता है, जिसके कारण जॉइंट का स्टिफनेस हो जाता है। ये पूरा ऑर्थो वाला पढ़े थे अपन, ठीक है। फाइब्रोसिस अच्छा नहीं होता है। वुंड हील्स रैपिडली विद कंप्लीट क्लोजर, स्कार विल बी लीनियर स्मूथ एंड सफल, ठीक है। देखो प्राइमरी हीलिंग हो गया, अब आते हैं सेकेंडरी हीलिंग। ये क्या है, इट अकर्स इन वुंड विद एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू लॉस, इसमें क्या होगा, काफी हद तक जिस वुंड में सॉफ्ट टिश्यू भी लॉस हो गया, जैसे क्रश इंजरी हो गया, जितने आपका अनरेडी वुंड थे, उसका का सेकेंडरी इंटेंशन से ठीक होता है, ठीक है। जैसे कि मेजर ट्रॉमा हो गया, बर्न हो गया, वुंड विद सेप्सिस हो गया, इट हील्स स्लोली विद फाइब्रोसिस, इसमें आपका फाइब्रोसिस होता है, ठीक है। फिर क्या होगा, ये एक स्कार बना देगा। देखो इनसाइड वुंड में क्या होता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि प्रीवियसली वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक चोट लगा था और ये ठीक हुआ था, ठीक है। लेकिन आपका सेकेंडरी इंटेंशन से क्या होता है, फाइब्रोसिस होता है, और फाइब्रोसिस क्या कराता है, स्कार फंक्शन कराता है। तो क्या होगा, बाद में एक वाइट स्कार बन जाएगा, ऑफन हाइपरट्रॉफिड एंड कॉन्ट्रैक्टेड, इट मे लीड इन टू डिसेबिलिटी, इसके बाद क्या होता है, डिसेबिलिटी हो सकता है, क्योंकि जॉइंट्स में अगर मसल में आपका फाइब्रोसिस बनेगा तो वो क्या करेगा, स्टिफ हो जाएगा, ठीक है। स्टिफ हो जाएगा तो वो क्या करेगा, फिर आपका इंस्टेबिलिटी की तरफ चल देगा वो, ठीक है, स्टेबल नहीं आएगा जॉइंट, मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ये आपका सेकेंडरी हो गया। अब आते हैं
थर्ड इंटेंशन, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा आपका प्राइमरी थोड़ा सा आपका सेकेंडरी। आफ्टर वून का डेब्रीमेंट एंड कंट्रोल ऑफ लोकल इन्फेक्शन, वून इज क्लोज विथ सूचर्स और कवर्ड यूजिंग स्किन ग्राफ्ट। प्राइमरी कंटामिनेटेड और मिक्स टिश्यू वून हील बाय टर्शरी इंटेंशन, ठीक है। इसमें वही होता है, इसमें क्या होता है, अपन जब स्किन ग्राफ्ट लगाते हैं, फिर फ्लैप लगाते हैं कवर करते हैं सूचर को, तो इसमें थोड़ा सा प्राइमरी हील का भी आता है, थोड़ा सा सेकेंडरी हील का भी आता है, ठीक है। ये आपका थर्ड इंटेंशन हो गया। अब आते हैं अपन फेस क्या होता है, ठीक है। फेस ऑफ वुंड हीलिंग, ये तो आपका हो गया। पहले अपन क्या पढ़े, वुंड हीलिंग क्या होता है वो पढ़े, फिर अपन पढ़े वुंड हीलिंग क्या होता है वो पढ़े, है ना, उसका डेफिनेशन पढ़े अपन, और फिर अपन पढ़े कितना टाइप का होता है, प्राइमरी और स्टेज पढ़े, स्टेज है ना, स्टेज। अब आप ऐसे फ्लो चार्ट बनाना, फ्लो चार्ट, ठीक है। स्टेज में तो ये है आपका पहले हिमोस्टेसिस, फिर इन्फ्लेमेशन, फिर पॉलिफ्रेशन, फिर मैट्रिक्स, फिर मैचुरेशन, रीमॉडलिंग, एपिथेलाइजेशन और वुंड का कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है। और फिर होता है टाइप ऑफ वुंड हीलिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। और फिर आते हैं फेस, फेस के बाद क्या है आपका, हाँ ये मेन है, फैक्टर कौन कौन अफेक्ट करता है वुंड हीलिंग को, ठीक है। और फिर आपका मैनेजमेंट ऑफ वुंड। फेस क्या है, पहला फेज क्या है, पहला फेज है इंफ्लेमेटरी फेज, ठीक है। इंफ्लेमेटरी फेज जिसको लैग बोलते हैं और सबस्ट्रेट और एक्सुडेटिव फेज बोलते हैं, ये इट बिगिंस इमिडिएटली आफ्टर फॉर्मेशन एंड लास्ट फॉर 72 आवर्स, ठीक है। आपको ये टाइम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत जल्दी होता है, जो हम पढ़े थे पहले क्या होगा, पहले वहां पे ब्लड का वेसल्स बनेंगे, हीमोस्टेसिस बनेगा, उसके बाद इन्फ्लेमेशन होगा, उसी फेज को बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी फेज बोलते हैं। इट बिगिंस इमिडिएटली आफ्टर फॉर्मेशन एंड लास्ट फॉर 72 आवर्स। देयर इज इनिशियल आर्टेरियल वैसो कंस्ट्रिक्शन, पहले क्या होगा वहां पे आर्टरी का वैसो कंस्ट्रिक्शन बनेगा, फिर वहां पे थ्रॉम्बस बनेंगे, तो हमें प्लेटलेट का एग्रीगेशन होगा ड्यू टू एंडोथेलियल डैमेज एंड रिलीज ऑफ एडनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडीपी, ठीक है। तो पहले क्या होगा वहां पे आर्टरी का वास्को कंस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वास्को कंस्ट्रिक्शन के बाद वहां पे थ्रोम्बस बनेंगे, फिर थ्रोम्बस बनने के बाद क्या होगा वहां पे प्लेटलेट का एग्रीगेशन होगा, ठीक है। और फिर वहां पे बाद में एडीपी का रिलीज होगा, ये हो गया आपका इन्फ्लेमेटरी फेज में हो गया। उसके बाद क्या होगा, पहले वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, फिर वैसो डायलेशन होगा, ठीक है। लेटर वैसो डायलेशन एंड इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी डेवलप, ठीक है। फिर क्या होगा, जो वेसल्स है उसका परमेबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वैसो डायलेशन हो गया है। फिर हियर हीमोस्टेसिस, कोगुलेशन एंड कीमोटैक्सिस अकर, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या होगा, हीमोस्टेसिस होगा, कोगुलेशन होगा और कीमोटैक्सिस होगा, ठीक है। ये चार पॉइंट याद रखेंगे हम लोग इन्फ्लेमेटरी फेज में। क्या क्या इन्फ्लेमेटरी फेज में, कि पहले ये बहुत जल्दी होता है, इमिडिएटली होता है, जैसे ही वुंड हुआ उसके बाद इन्फ्लेमेटरी फेज आएगा। दूसरा क्या है कि आपका ये इसमें क्या होगा, पहले आर्टरी का वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, आर्टरी का वैसो कंस्ट्रिक्शन होने के बाद वहां पे आपके प्लेटलेट का कोगुलेशन होगा, प्लेटलेट एग्रेशन होगा, ठीक है, और फिर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका, लेटर पे क्या होगा, वैसो डायलेशन होगा, वैसो डायलेशन होने के बाद वहां पे वेसल्स का जो है वास्कुलर परमिटिविटी बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या होता है, हीमोस्टेसिस होता है, आपका कीमोस्टेसिस होता है, और आपका हीमोस्टेसिस, कीमोस्टेसिस और आपका कोगुलेशन, ये अकर करता है, ये आपका इन्फ्लेमेटरी फेज होता है। अब आते हैं अपन पॉलीफेटिव फेज में आते हैं, यहाँ क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन कोलेजन और फाइब्रोब्लास्टिक फेज बोलते हैं। याद पे पढ़े थे कि मैट्रिक्स बनेगा, उससे पहले पॉलिफेशन होगा, है ना, तो पॉलिफेशन किसका होगा, आपका फाइब्रोब्लास्ट आएगा, फिर वो मैट्रिक्स बनाएगा, मैट्रिक्स बनेगा वो मैच्योर होगा, ठीक है। तो वही है, ये कब होता है, ये इट बिगिंस फ्रॉम थर्ड डे, ठीक है, थर्ड डे एंड लास्ट फॉर 3 to 6 वीक्स। थर्ड डे से स्टार्ट होगा और 3 से 6 वीक के लिए ये बनेगा, वो किस पे था, 72 आवर्स में वो इन्फ्लेमेटरी फेज आ रहा था। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू एंड रिपेयर ऑफ द वुंड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका ग्रैनुलेशन टिश्यू बनता है और वुंड का रिपेशन होता है, ठीक है। अब इतना याद रखो, इसमें ज्यादा याद नहीं करना है, पॉलीफेटिव में फिर लास्ट रिमॉडलिंग में। इससे पहले क्या होगा, पहले इनिशियल एंजियोजेनेसिस, मतलब यहाँ पे न्यू ब्लड वेसल का ग्रोथ होगा, ठीक है। कैसे होगा, क्योंकि वहां पे वास्कुलर एंडोथेलियल सेल ग्रोथ फैक्टर रिलीज होगा, ठीक है। कौन रिलीज करेगा, बाय केराटोसाइट्स, ठीक है। यहाँ पे पहले याद रखना इनिशियल एंजियोजेनेसिस होगा, दूसरा क्या है, इवेंचुअल फाइब्रोप्लेजिया, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, फाइब्रोप्लेजिया होगा, वहां पे फाइब्रोब्लास्ट आएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, वहां पे फाइब्रोब्लास्ट आएगा, डेवलप बाय फाइब्रोब्लास्ट, वहां पे फॉर्मेशन होगा, कोलेजन का फॉर्मेशन होगा ग्राउंड सब्सटेंसेस का, और टाइप 3 इसमें बनेगा, ठीक है, टाइप 3 डिपॉजिट होगा।
थर्ड क्या है, लेटर रीएपिथिलाइजेशन ऑफ द वुड, इस पे क्या होगा, जो एपिडर्मिस था जो टूट गया था वो आपका बेसल लेयर में माइग्रेट करेगा और एपिडर्मिस पे उसको पॉलिफ्रेट करेगा, डिफरेंशिएट करेगा और वुड को क्लोज करेगा। ठीक है, आपको तीन इसे स्टेज याद रखना है, किसमें, पॉलिफ्रेशन स्टेज में। क्या क्या है, पहला क्या है, इनिशियल क्या हो रहा है, एंजियो जेनेसिस, ठीक है, ये पहला फेज है ना। और उसके बाद आपका दूसरा फेज क्या है, पहला क्या है एंजियोजेनेसिस है, एंजियोजेनेसिस है, दूसरा क्या होगा आपका इसमें आपका फाइब्रोप्लेजिया, जिसमें आपका फाइब्रोब्लास्ट आएगा, ठीक है, फाइब्रोप्लेजिया। तीसरा क्या है आपका री एपिथिलाइजेशन, इस पे जो आपका कोलेजन बना है वो और मैच्योर होगा और वो क्या करेगा, एपिडर्मिस को बनाएगा, वुड को क्लोज करेगा, ये हो गया आपका सेकंड फेज हो गया। अब आता है थर्ड फेज, ये क्या है रीमॉडलिंग फेज, ठीक है, जिससे हर चीज मैच्योर होता है, ये आपका 6 वीक से स्टार्ट होगा और ये 6 मंथ से लेके 1 से 2 साल तक चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो कोलेजन था वो उसका होगा मैच्योरेशन होगा, टाइप 3 था और टाइप 2 बनेगा शायद, बाय क्रॉस लिंकिंग एंड रीअलाइनमेंट ऑफ कोलेजन फाइबर अलोंग द लाइन ऑफ द टेंशन, इसे हम याद नहीं करते अपन। और सिंपल याद रखो, इसमें इस फेज में क्या होगा, जो आपका टाइप 1, हाँ इसमें क्या होगा, आपका टाइप 3 था ना आपके उस फेज में, सेकेंड फेज में, तो वो क्या होगा, वो टाइप 1 में कन्वर्ट होगा। टाइप 1 क्या करता है, टाइप 1 अच्छा टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टार को अच्छे से बढ़ाएगा, ठीक है। टाइप 3 कोलाजन इज रिप्लेस्ड बाय टाइप 1 कोलाजन, उसपे क्या होगा, कोलाजन का होगा मैचुरेशन, मैचुरेशन ऑफ कोलाजन, ठीक है। ये इस तरह का कोलाजन टाइप जो है अर्ली में तो 3 रहेगा, फाइनल मैट्रिक्स में 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अपन 3 फेज पढ़ लिए, अब आते हैं कि कौन सा फैक्टर जो है वो अफेक्ट करता है वुड हीलिंग को, ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसका नाम एक निमोनिक बनाया था, तो मैं आपको बताता हूँ उस निमोनिक कि आप भी उसी को यूज कर सकते हैं, इसका आपको जल्दी याद होगा, ठीक है। देखो, फैक्टर्स हीलिंग अफेक्ट कर रहा है, मतलब क्या है, जो हील होना चाहिए था वो हील नहीं हो रहा है, निमोनिक क्या है, डिडंट हील, डिडंट हील, ठीक है। डी से क्या है आपका, डी से आपका डायबिटीज, अगर पेशेंट को डायबिटीज है तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा लेट करेगा हीलिंग प्रोसेस को, ठीक है। आई से क्या है आपका इंफेक्शन, अगर पेशेंट को इंफेक्शन हो गया है साथ में तो उस पर क्या होगा, लेट होगा, ठीक है। डी से क्या है आपका ड्रग्स, तो देखो मैं लिख रहा हूँ आपके यहाँ पे, आप कहीं लिखता हूँ, रुको, स्पेस भी तो नहीं है यहाँ पे, एक मिनट देखो, यार हाँ ये रहा स्पेस, यार अल्सर, अल्सर आ गया, देखो एक मिनट ना, मैं पे जगह जगह देख के आपको लिखता हूँ ताकि आप लिख सको इसमें, ठीक है यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है। डी से क्या है आपका, पहला क्या है डायबिटीज, ठीक है, अगर पेशेंट को डायबिटीज है तो वो स्लो कर देगा। आई से क्या है इंफेक्शन, एक और डी क्या है, इसमें क्या है ड्रग्स, ठीक है। एन से क्या है न्यूट्रिशन, देखो ड्रग्स में क्या सकता है, आप अगर स्टीरॉयड थेरेपी, बहुत लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड थेरेपी ले रहे हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हो, है ना, सब कर रहे हो, तो वो क्या करता है, हील को लो कर, कम करता है, ठीक है। ठीक है न्यूट्रिशन, अगर विटामिन ए विटामिन सी, है ना, जो कि होते हैं मेनली मैग्नीशियम, ये सब जिंक, ये सब क्या होते हैं, ये सब कोलाजन बनाते हैं, अब ये सब अब कम लोगे बॉडी में, कम मात्रा में जाएगा तो कोलाजन नहीं बनेगा, ठीक है। न्यूट्रिशन विटामिन ए का, है ना, सी का, जिंक का, ये सब कमी हो गया है न्यूट्रिशन। फिर क्या है आपका पी से क्या है, टिश्यू का क्या हो गया है, नेक्रोसिस हो गया है, ठीक है, टिश्यू का नेक्रोसिस हो गया है, ठीक है। एच से क्या है आपका, हाइपोक्सिया हो गया है या फिर हेमाटोमा बन गया है, ठीक है, जो स्लो कर देगा प्रोसेस को, हाइपोक्सिया या फिर हेमाटोमा। ई से क्या है आपका, टेंशन को ज्यादा ही आ गया है, ठीक है, एक्सेसिव टेंशन हो गया वहां पे एरिया में। और ए से क्या आपका, देखो एक वुंड तो हुआ है, उसके पास से एक और वुंड हो गया है, अगर दो वुंड हो गया है तो क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा, जो चीज इसको मिलना चाहिए था वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा, ठीक है। ए से क्या है, अनादर वुंड,
और एल से क्या है, टेम्परेचर लो हो गया है, ठीक है। लो टेम्परेचर में उसको अच्छा सप्लाई नहीं मिलता है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है तो भी वो करता है। तो क्या पढ़े अपन, डिडंट हील, फैक्टर्स क्या कहेगा, डिडंट हील। रिवाइज करते हैं, डी से क्या है, डायबिटीज, आई से क्या है, इंफेक्शन, डी से क्या है, ड्रग्स, आप कुछ वो ले रहे हो, क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड ले रहे हो, एन से क्या है आपका, न्यूट्रिशन, टी से क्या है, टिश्यू नेक्रोसिस, एच से क्या है आपका, हाइपोक्सिया, हेमाटोमा, है ना, और ई से क्या है आपका, एक्सेसिव टेंशन, ए से क्या है, अनदर वुंड, एल से क्या है, लो टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर, लो ब्लड सप्लाई, वो सब आ जाएगा। तो आपका फैक्टर सेटिंग हो गया, ठीक है। इतना अगर पढ़ोगे भी ना तो इसे मत पढ़ना है, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसे पढ़ने का, मतलब लिख भी नहीं पाओगे। आप ये पढ़ लेना, लोकल फैक्टर होता है और जनरल फैक्टर होता है। तो इन्फेक्शन में कवर कर दिया, पेरेंस ऑफ नेगेटिव टिश्यू कवर कर दिया, पुअर ब्लड सप्लाई कवर हो गया, वीनस ऑफ लिम्फ का स्टेटस हो गया, टेंशन बढ़ गया है, हेमाटोमा, लास्ट इफेक्ट ऑफ पुअर अपोजिशन, वापस से ट्रॉमा वाइप हो गया है, ठीक है। और फिस पे क्या आपका, विटामिन डेफिशिएंसी, माइल न्यूट्रिशन, एज, ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, अनिमिया, मैलिग्नेसी, यूरेमिया, जॉन्डिस, जो भी याद आए डिजीज वो उसमें आ जाएगा, ठीक है। आप ये याद रखो, इसको अच्छे से लिखना, ढील आपका अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं वुंड को अपन मैनेज कैसे करेंगे, है ना, मैनेजमेंट ऑफ वुंड, ठीक है। तो पहले अपन क्या करेंगे, वुंड आया, अगर पेशेंट आया जिसको आपका उसको एक वुंड उसको हो गया है, ठीक है, तो अपन पहले उसको क्लीन करेंगे, ठीक है। वुंड क्लीनिंग इज नीडेड टू ऑप्टिमाइज द हीलिंग एनवायरमेंट, ठीक है। अपन क्या करेंगे, वुंड का क्लीनिंग से पहले उसके बाद अपन कुछ और सोचेंगे, वुंड क्लीन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। वुंड क्लीनिंग इज नीडेड टू ऑप्टिमाइज द हीलिंग एनवायरमेंट, इट इज अचीव्ड बाय रिमूविंग द विजिबल डीयूटिलाइज्ड टिश्यू और ड्रेसिंग मटेरियल और एक्सेस एक्सुडेट और ट्रस्ट, ठीक है। अगर उसमें कुछ फॉरेन मटेरियल हो गया है ना, कोई हम लोग को दिख रहा है टिश्यू जो बर्बाद हो गया है, डैमेज हो गया है, तो अपन क्या करेंगे, अब उधर क्रस्ट बन गया है ना, एक्सुडेट बन गया, उसको अपन रिमूव कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट एसेप्टिक टेक्निक शुड बी यूज वाइल क्लीनिंग द वुंड, ठीक है। एब्सोल्यूट एसेप्टिक टेक्निक अपन यूज करेंगे वाइल क्लीनिंग द वुंड, वार्म स्टाइल आइसोटोनिक नॉर्मल सलाइन, ठीक है। पहले अपन क्या करेंगे, पहले वुंड क्लीन करेंगे, उसके पास स्पेसिफिक मैनेजमेंट पे आएंगे, वुंड पे डिपेंड करता है कौन सा वुंड है। तो वुंड में क्या करेंगे अपन, एक पेशेंट है उसको वुंड हुआ है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, वह देखेंगे कोई फॉरेन बॉडी है या डीयूटिलाइज टिश्यू है, क्रस्ट फॉर्मेशन हो गया, उसको अपन निकाल देंगे, ड्रेसिंग कर देंगे, ठीक है। अपन उस पर क्या करेंगे, एसेप्टिक टेक्निक को मेंटेन करेंगे, एसेप्टिक टेक्निक होना चाहिए ताकि कोई और इन्फेक्शन ना हो जाए, वाई क्लीनिंग द वुंड, वार्म स्टेराइल आइसोटोनिक नॉर्मल सलाइन का यूज करेंगे, 37 डिग्री जो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो आइडियल है। नॉर्मल एक्सुडेट इन द वुंड शुड बी रिमूव, ठीक है। कोई एक्सुडेट बन गया है तो रिमूव कर देंगे, जेंटल क्लीन करेंगे वुंड का, इंपॉर्टेंट है ताकि वो मिनिमाइज कर दे इंटरफेरेंस ऑफ वुंड हीलिंग प्रोसेस को, और मैं कोशिश करेंगे कि जो सरफेस है वो नॉर्मल पीएच का हो, न्यूट्रल पीएच का हो और नॉन टॉक्सिक हो, है ना। जो क्लीनिंग एजेंट होता है वो भी आपका नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और आपका नॉर्मल एजेंट होना चाहिए, ठीक है। वॉर्म सलाइन से उसको जेंटली क्लीन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसमें कोई सोप हो गया या आपका एंटीसेप्टिक हो गया है तो उसको अपन अवॉइड करेंगे, ठीक है। कोई भी आया है वुंड लेके आया है तो आपको उसको सोप साबुन वाबुन नहीं लगाना है, ठीक है। आपको सिंपल वॉर्म सलाइन से उसको साफ करना है, फिर स्टराइल सीरीज यूज करेंगे, है ना। एसेप्टिक कंडीशन होना चाहिए, पहले बात की थी अपन, ठीक है। और इतना काफी है, ठीक है। तो आपका वुंड क्लीनिंग में इसका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। वुंड क्लीनिंग तो पहला क्या पॉइंट है वुंड क्लीनिंग में, कि आपको क्या बोलते हैं, सबसे पहले कोई भी फॉरेन मटेरियल है ना, फॉरेन मटेरियल है फिर कोई एक्सुडेट है उसको साफ करना है, ये पहला पॉइंट लिखना आप, ठीक है। फिर क्या लिखना कि जो आया है पेशेंट आया उसका उसको कंडीशन जो है एसेप्टिक होना चाहिए, ठीक है। एसेप्टिक कंडीशन में काम करना चाहिए और ताकि इन्फेक्शन ना हो उसको, वार्म सलाइन होना चाहिए, टेम्परेचर जो होता है वो आपका 37 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। आप जो भी एजेंट यूज कर रहे हो क्लीन करने के लिए वो आपका नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और न्यूट्रल पीएच का होना चाहिए, ठीक है। सोप हो गया आपका, सोप हो गया, फिर क्या बोलते हैं आपका एंटीसेप्टिक हो गया, ये सब आपको अवॉइड करना है, ठीक है। ये हो गया आपका, फिर अपन नीचे आते हैं स्पेसिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। अब आएंगे पास स्पेसिफिक में, आएंगे कि अपन देखेंगे वुंड को अपन इंस्पेक्ट करेंगे और फिर उसको स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सा टाइप ऑफ वुंड है। अगर शार्प है तो इनसाइज वुंड है, अगर क्रश हो गया तो क्रश वुंड है ना, उसको बोले स्पेसिफाई करेंगे, पता कर दी कि हाँ ये इस टाइप का वुंड है। फिर अपन क्या करेंगे, उसको वाइटल एरिया को मेंटेन करेंगे, उसके एयरवे को मेंटेन करेंगे,
अगर ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे, उसको आईवी फ्लूड को देंगे, उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे उसको, है ना, और उसको देखेंगे कि उसको डीप पे कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, वो सब देखेंगे उसका, ठीक है। डीप कम्युनिकेटिंग इंजरी लाइक एंड फ्रैक्चर को लुक करेंगे अपन, ठीक है, ठीक है। इफ इट इज इंसाइज वुंड, अगर इंसाइज वुंड है तो पैरेंट सुचरिंग बस करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। अगर लैसेटेड वुंड है तो वुंड को एक्साइज करेंगे और पैरेंट सुचरिंग डन कराएंगे। अगर क्रस्ट है या डीप लाइज वुंड है तो वहां पे इडिमा बन गया है और टेंशन बन गया है, तो हम क्या करेंगे, अब वुंड को डेवलपमेंट करने के बाद, वुंड को रिजन करने के बाद सारे ड्यूटिलाइज टिश्यू को इडिमा क्या होगा, 2 से 6 दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, देन डिलेड पैरेंट सुचरिंग इज डन, ठीक है। अब आते हैं, इफ इट इज डीप, डीप अगर वो बहुत ज्यादा डीप हो गया है तो अपन क्या करेंगे उसमें, वुंड आफ्टर वुंड डेवलपमेंट, तो फिर उसको अलाउ करेंगे तू अपने आप ही ठीक हो, है ना, ग्रैनुलेट हो, और फिर क्या होगा, फिर उसमें सेकेंडरी सुचरिंग कर देंगे अपन। और इस पर अपन क्या, अगर लार्ज है वुंड तो स्किन ग्राफ्टिंग लगा सकते हैं अपन, ठीक है, कवर करने के लिए। और अगर वुंड में वो टेंशन है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया सब चीज, है ना, उसमें बहुत टेंशन हो जाता है क्योंकि इडमा हो गया है, और तो उससे अपन क्या करेंगे, उसको अपन कट कर देंगे, फेशिया कट कर देंगे, फेशियोटॉमी डन करेंगे अपन, ठीक है, जैसे कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम में होता है। अब आते हैं अपन, इतना काफी है, ठीक है, ये आपका स्पेसिफिक स्पेसिफिक आ जाएगा। अब हाँ, तो यहाँ पे आपका वुंड वाला चैप्टर खत्म होता है, ठीक है, वुंड आपका टॉपिक खत्म होता है। वुंड आएगा तो आपको पूरा लिखना, पहले क्या लिखना, स्टार्ट करना वुंड क्या होता है, उसको पूरा बताना कैसे अपन उसको वुंड को क्लासिफाई किए। थर्ड में वुंड हीलिंग क्या होता है, टाइप बताना वुंड हीलिंग का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अब फिर आप बताना कि वुंड हीलिंग का स्टेज क्या होता है ना, और फिर आपको बताना फेस क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी फेस, और आपका दूसरा फेस क्या था आप याद करो, इन्फ्लेमेटरी फेस था, दूसरा फेस क्या था आपका, पॉलीफेटिव फेस था, तीसरा क्या था, मैचुरेशन मैचुरेशन फेस था, ठीक है, फेस बताना उसके अंदर। और फिर बताना कि फैक्टर कौन सा इफेक्ट करता है वुंड हीलिंग को, उसमें क्या है, निमोनिक कैसा डिडेंट हील, है ना, डी से क्या है डायबिटीज, आई से क्या है इन्फेक्शन, पी से क्या है ड्रग्स, एन से क्या है टिश्यू नेक्रोसिस, नहीं न्यूट्रिशन, और फिर टी से क्या है टिश्यू नेक्रोसिस, एच से क्या है हाइपोक्सिया हेमाटोमा, ई से क्या है आपका एक्सेसिव टेंशन, ए से क्या है आपका, आपका ए से है अनादर वुंड, और आपका एल से क्या है लो टेम्परेचर, ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आप आना कैसे मैनेज करोगे आप, तो वुंड को पहले आप सिंपल वुंड मैनेजमेंट करोगे, है ना, और फिर सेकंड में आप स्पेसिफिक करोगे, स्पेसिफिक देखोगे कौन सा वुंड है, लैसेटेड लैसेटेड को अपन सिंपल आप साफ करके पैम सुचरिंग कर दोगे, अगर इंसाइज है तो सिंपल सुचरिंग कर दोगे, पैम सुचरिंग करोगे, क्रश है साफ करोगे, इडिमा को सब साइड करोगे, है ना, ऐसे करके आप पूरा उसको मैनेज करोगे, ठीक है। अब आते हैं सेकंड टॉपिक क्या है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ये हम पढ़ चुके हैं ऑर्थो में, एक और रिवाइज करेंगे अपन, कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है, ये स्पेशल एंटिटी है कॉमन इन लेग, ये मेनली कहाँ होता है, एक लेग में होता है, फोरआर्म में होता है, थाई में होता है, और आर्म में होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारे कंपार्टमेंट बने होते हैं, फोरआर्म में बने बने रहता है, थाई में बने रहता है, आर्म में और लेग में। इज अ सिंड्रोम ड्यू टू इंक्रीज इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर विद इन अ लिमिटेड स्पेस एरिया, ठीक है, जैसे कि लेग है, ये लेग है, यहाँ पे आपके 2 कंपार्टमेंट है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लेमेशन होने के कारण मसल का इडिमा हो गया है, अब जो स्पेस है वो तो इतना ही है, अब इडिमा हो गया तो क्या मसल का बढ़ेगा, वो तो बढ़ेगा, इतने बढ़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या वो प्रेशर लगाएगा, तो इस पे क्या होगा कंपार्टमेंट सिंड्रोम होगा, इसके कारण क्या होगा नेक्रोसिस हो जाता है, नेक्रोसिस, ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपन। होता है क्या, पहले अपन लिख लिया अपन, ठीक है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है, अब बताते हैं कॉजेस कि कौन कॉज करता है। तो पहला क्या है कि आप कोई ड्रेसिंग कराए हो या फिर प्लास्टर कास्ट लगाए हो, तो वहां पे क्या हुआ, स्पेस जो है नैरो हो गया है, स्पेस नैरो हो गया है, और फिर क्या बोलते हैं, बहुत देर तक आप बेड रिडन हो, है ना, आप उसको यूज नहीं किए हो, लाइंग ऑन वन लिम इन कोमेटोस पेशेंट, इंक्रीज कंटेंट विद इन द कंपार्टमेंट ड्यू टू ट्रॉमा लाइक फ्रैक्चर, एडिमा, इस्कीमिक इंजरी, हेमाटोमा, पॉइजनिंग हो गया ट्रॉमा के बाद, बर्न इंजरी, है ना, ये सब में आपका जो कंटेंट है वो बढ़ जाता है, ठीक है, किसमें किसमें, फ्रैक्चर में, इडिमा में, है ना, आपके इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया है आपका, ठीक है, टिश्यू नेक्रोसिस हो गया, इस्कीमिया हो गया, इस समय आपका बढ़ जाता है कंटेंट, जिसके कारण क्या होगा वो प्रेशर लगाएगा, हाई प्रेशर इंजेक्शन इंजरी लाइक गन इंजरी, है ना, ऑयल बेस्ड मेटल इंजरी, इस समय आपका स्नेक बाइट, इसमें भी आपका हो सकता है। तो इसे तीन तीन पढ़े अपन, पहला क्या बोलोगे आप, पहला बोलोगे आपका प्लास्टर प्लास्टर कास्ट लगाए हो, ठीक है, वो कम कर दे रहा है स्पेस को, या फिर आप बेड रिडन हो बहुत दिन तक, कोमा पेशेंट में होता है ये बेड रिडन, ठीक है, पहला ये लिखना। दूसरा क्या लिखना,
दूसरा में लिखना आप, दूसरा में कि आपका ना इस पे क्या हुआ है, बहुत सारे फ्रैक्चर हुआ जिसके कारण आपका कंटेंट बढ़ गया, जैसे कि एडिमा हो गया आपका, है ना, कंटेंट बढ़ गया एडिमा, है ना, आपका इस्केमिया, ठीक है, फ्रैक्चर, ट्रॉमा, ठीक है, और कोई आप पॉइजनिंग कर दिए हो आपका, ट्रॉमा, हेमाटोमा, ठीक है, ये सब आ जाएगा। और थर्ड में क्या आएगा आपका, थर्ड में क्या हुआ है आपका, जैसे कि हाई प्रेशर इंजेक्शन, जैसे गन इंजरी, स्नेक बाइट, है ना, ऑयल बेस्ड मेटल इंजरी, वो सब आ जाएगा आपका। तो ये क्या हुआ आपका, कंपाउंड सिंड्रोम का कॉज पढ़ लिया अपन। अब देखो ये क्या बोल रहा है, इट इज कॉमन इन काफ, मेनली काफ में होता है और फोरआर्म में होता है, क्रोच इंजरी कॉज हेमाटोमा लीडिंग टू इंक्रीज प्रेशर, ठीक है, अब क्रोच इंजरी हो गया है जिसके कारण क्या होगा, प्रेशर जो है बढ़ेगा। इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद फ्रैक्चर ऑफ द अंडरलाइंग बोन विच इन टर्न कंप्रेस द मेजर वेसल फर्दर एग्रीगेटिंग द इस्कीमा कॉजिंग। हाँ इस पे आप याद रखो, इसमें होता क्या है आपका, क्या क्या दिखता है, अब देखो प्रेशर बढ़ गया जिसके कारण क्या होगा, इस्कीमा होगा, इस्कीमा कारण क्या होगा आपको, आपको पैलर दिखेगा वहां पे, एरिया पैलर होगा, पल्सलेसनेस होगा, वहां पल्स फील नहीं होगा, दर्द होगा वहां पे, एनेस्थेसिया जो है आपका जो फील होता है ना, सिंपैथेटिक फील होता है वो, जो सेंसरी वो गायब हो जाएगा, स्वेलिंग होगा आपको, और लिम्ब जो है कोल्ड हो जाएगा, क्या क्या होगा आपका, पैलर दिखेगा, पल्सलेसनेस दिखेगा आपको, पैलर, पल्सलेसनेस, आप पेन होगा, पैरेस्थेसिया होगा, ठीक है, पेन, पैरेस्थेसिया, पैलर, पर्सनेसनेस और डिफ्यूज स्वेलिंग, ठीक है, कोल्ड लिंब, ये होगा। इट अलाउ टू प्रोग्रेस, इट मे बी इवेंचुअली लीड टू गैंग्रीन, एट द एंड क्या होगा, गैंग्रीन भी हो सकता है, ठीक है, क्रोनिक इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर भी हो सकता है, ठीक है, और लास्ट पे क्या होगा, मसल का नेकोसिस होगा। देखो तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, इन्फेक्शन होगा, सेप्टिसेमिया, एप्सिस, लिनर फेलियर, गैंग्रीन, क्रोनिक इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर, डिसेबल्ड लिंग, वोल्फमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर, ये सब होगा, ठीक है। आता है ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट क्या करना है आपको, अगर उसमें होता क्या है कि आपका मोर देन 30 mm Hg जो है आपका बढ़ जाता है, इट कैन बी मेजर बाय प्लेसिंग अ फाइन कैथेटर इन द कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो अपन क्या करेंगे, अपन फेशियोटोमी कराएंगे, ठीक है, उसमें क्या करते हैं अपन, उसमें अपन एक फेशिया को काट देते हैं, ऐसे करके पहले काट देंगे ताकि वो कटेगा तो सारे प्रेशर जो है वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा, ठीक है, इतना लिखना आप, ठीक है। बाद अपन एंटीबायोटिक देंगे उसको, कैथेटराइजेशन देंगे, मेटोल देंगे, डायटेट देंगे ताकि जो किडनी को फ्लश कर सके, क्योंकि यहाँ पे रीनल फेलियर भी होता है, ठीक है, और फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे और ऑक्सीजन देंगे अपन, ठीक है, ये आपका कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया। अब आते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, क्रश सिंड्रोम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद से लिख सकते हो, लिखना होगा तो, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं किलोइड में आते हैं, किलोइड क्या होता है और आपका हाइपोट्रोफिक स्कार क्या होता है, ठीक है, ये हाँ किलोइड, किलोइड क्या होता है, किलोइड जो होता है ना वो कॉमन होता है ब्लैक्स में, ठीक है, ये एक स्कार ही है, स्कार के टाइप्स होते हैं किलोइड और हाइपोट्रोफिक। तो इसमें डायग्राम दिया होगा, देखो ये है किलोइड, ठीक है, किलोइड जो होता है ऐसे होता है किलोइड, ठीक है, तो ये है किलोइड, इंजरी होने के बाद ना इसमें किलोइड बन जाता है, ठीक है, तो ये है किलोइड, अच्छा अलग से बन गया, अलग से ना उभरा हुआ दिखता है किलोइड, ये किलोइड है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका हाइपोट्रोफिक स्कार है, आपका हाइपोट्रोफिक स्कार है। अब आप बोलोगे कि सेम दिखता है ये तो हाइपोट्रोफिक किलोइड, नहीं, अब पढ़ेंगे अभी क्या डिफरेंस है किलोइड और हाइपोट्रोफिक में, ठीक है, चल पढ़ते हैं। किलोइड क्या है, किलोइड स्कार है, किलोइड इज कॉमन इन ब्लैक, ठीक है, ब्लैक तो कॉमन रहता है, फीमेल्स तो कॉमन होता है ये आपका फैमिलियल भी होता है, वेरी रेयर इन कोशिशियंस, देयर इज डिफेक्ट इन मैचुरेशन एंड स्टेबिलाइजेशन ऑफ कोलेजन फैब्रिल, ठीक है। अब याद रखना कि इसमें क्या होता है, जो फाइब्रोब्लास्ट है उसका इमैच्योर होता है ना, इसमें आपका इमैच्योर फाइब्रोब्लास्ट दिखेगा, और आपके जो फाइब्रोट्रॉफिक है वहां पे आपको मैच्योर फाइब्रोब्लास्ट का दिक्कत दिखेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, जो कोलाजन बन रहा है वो उसका मैच्योरेशन का डिफेक्ट आ गया है, नॉर्मल कोलाजन बंडल जो है वो एबसेंट है, ठीक है। किलोइड कंटिन्यू टू ग्रो इवन आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने के बाद भी किलोइड जो है ग्रो करते रहता है, मे बी फॉर मेनी ईयर्स, इट एक्सटेंड इन टू एडजेसेंट नॉर्मल स्किन, जैसे कि यहाँ पे स्किन है, जैसे कि देखो ये डायग्राम है ना, यहाँ पे बस, अब यहाँ पे बस क्या बोलते हैं आपका हुआ था ना,
वुड, लेकिन ये करता है ये आपके नॉर्मल स्किन में भी जाके स्प्रेड हो जाता है, देखो स्प्रेड हो गया पूरा, ठीक है। तो ये क्या करता है, क्लॉइड क्या करता है, नॉर्मल स्किन में भी जाके आपका एक्सटेंड करता है, ठीक है। ये कैसा रहता है, ये ब्राउनिश ब्लैक कलर का रहता है, पिंकिश ब्लैक का भी हो सकता है, इन कलर पेनफुल रहेगा, टेंडर रहेगा, समटाइम्स हाइपर एस्थेटिक स्प्रेड एंड कॉज इचिंग, ठीक है। ये आपका ब्राउनिश ब्लैक कलर का हो सकता है, पिंकिश ब्लैक कलर का हो सकता है, कलर में पेनफुल रहेगा, टेंडर रहेगा, समटाइम्स हाइपर एस्थेटिक, और ये क्या बोलते हैं स्प्रेड करेगा, इसके कारण इचिंग होगा, ठीक है। आपके इसकी इचिंग भी प्रेजेंट रहेगा, पेनफुल रहेगा, इचिंग रहेगा, और ब्राउनिश ब्लैक रहेगा, पिंकिश ब्लैक रहेगा, ठीक है। अब आते हैं क्लॉइड में भी एसोसिएटेड विथ एलर्स डेनलॉर्स सिंड्रोम एफिस क्लेरोडर्मा, इससे ये एसोसिएट हो सकता है। व्हेन क्लॉइड अकर्स फॉलोइंग एन अननोटिस्ड ट्रॉमा विदाउट स्कार फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस क्लॉइड कॉमनली सीन इन नेग्रोस। ये क्या बोल रहा है कि विदाउट ट्रॉमा की हिस्ट्री में अपने आप क्लॉइड बन गया है, ठीक है, और स्कार का फंक्शन इसमें नहीं हुआ, लेकिन क्लॉइड दिख रहा है हम लोग को, तो क्या है आपका स्पॉन्टेनियस क्लॉइड बोलते हैं उसको। सम क्लॉइड ओकेजनली बिकम नॉन प्रोग्रेसिव आफ्टर इनिशियल ग्रोथ, ठीक है, मतलब कि ये रुक जाता है, ऐसे ग्रोथ किया और रुक गया। पैथोलॉजिकली क्लॉइड कंटेन्स प्रोलिफरेटिंग इमैच्योर फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। अपन अगर देखेंगे इसमें तो इसमें क्या होता है, इमैच्योर फाइब्रोब्लास्ट रहता है और प्रोलिफरेटिंग इमैच्योर ब्लड वेसल्स एंड टाइप 3 कोलाजन थिक कोलाजन स्ट्रोमा। क्या क्या है, इमैच्योर इमैच्योर फाइब्रोब्लास्ट, प्रोलिफरेटिंग इमैच्योर ब्लड वेसल्स और टाइप 3 कोलाजन स्ट्रोमा, ठीक है, ठीक है। कॉमन कहाँ कहाँ होता है, ये मेनली कॉमन होता है स्टर्नम में कॉमन रहता है, अदर साइड्स क्या है, अपर आर्म, चेस्ट वॉल, लोअर नेक, इन फ्रंट, ठीक है। तो क्लॉइड का अपन पढ़ लिए, ठीक है। अब आते हैं अपन डीडीएस का, हाइपरट्रोफिक स्कार डीडीएस का, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, हम इससे स्टीरॉयड इंजेक्शन देते हैं, इंट्राक्लॉइडल ट्राई एमीक्रोलोन, ठीक है। स्टीरॉयड देंगे अपन, स्टीरॉयड इंजेक्शन देंगे, फिर एक्सीजन देंगे, फिर स्टीरॉयड इंजेक्शन देंगे, ठीक है। स्टीरॉयड इंजेक्शन दिए, फिर इसको निकाल दिए सर्जरी 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 करके, और वापस से स्टीरॉयड इंजेक्शन देंगे उसको। ट्राई एमीक्रोलोन रिड्यूस करता है फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन को, ठीक है, जो कि इमेच्योर फाइब्रोब्लास्ट जो है प्रोलिफरेट कर रहा है उसको रिड्यूस करेगा, एंड कोलाजन सिंथेसिस को। इट इज फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी फॉर क्लॉइड, ठीक है। सबसे पहला आपका ट्राई एमिक्रॉन ही देना है इसको, इंट्राक्लॉइडल इंजेक्शन, ठीक। क्या होगा, मिथोट्रेक्सेट एंड विटामिन ए थेरेपी इनटू द क्लॉइड, ठीक है। मिथोट्रेक्सेट एंड विटामिन ए थेरेपी देंगे उसको, सिलिकॉन जेल शीटिंग देंगे, टॉपिकल रेटिनॉइड, लेजर थेरेपी देंगे उसको, विटामिन ई, पाम ऑयल मसाज दे सकते हैं, ठीक है। क्या क्या है आपका इसमें, सिलिकॉन थेरेपी हो गया, टॉपिकल रेटिनॉइड हो गया, लेजर थेरेपी हो गया, ट्राई एमिक्रॉन हो गया, मिथोट्रेक्सेट हो गया, ठीक है, विटामिन ए थेरेपी हो गया, और फिर आपका स्टेरॉइड देंगे, फिर आपका एक्सेम करेंगे, फिर स्टेरॉइड देंगे, ठीक है, याद रखते हैं अपन। और फिर उसके बाद लास्ट में अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज करके स्किन ग्राफ्टिंग कर देंगे, ठीक है, ये आपका क्लॉइड में आ जाएगा। तो क्लॉइड पढ़ लिए, क्या क्या है क्लॉइड में, ब्लैक्स में कॉमन रहता है, फीमेल्स में कॉमन रहता है ये, है ना, और जेनेटिकली ये इन्वॉल्व रहता है, फैमिलियर कंडीशन में दिखता है ये, और इसमें क्या होता है, ये इमेच्योर फाइब्रोब्लास्ट का इसमें वो हो जाता है, प्रोलिफरेशन होता है इसमें। और फिर क्या पढ़ेंगे अपन इसमें, कि ये क्लॉइड जो है ये आपका 6 मंथ के बाद भी ये होता है, और ये मेनली स्टर्नम में दिखता है, और फिर आप बोल सकते हो इसमें क्लॉइड जो होता है ना, ये आपके नॉर्मल स्किन को भी इन्वॉल्व करता है ना, एडजस्ट स्किन के पास चल देता है ये, और कभी कभी क्लॉइड जो है वो आपका क्लॉइड जो है वो नॉर्मली नॉन प्रोग्रेसिव हो जाता है, ठीक है, एक इनिशियल पीरियड के बाद। और फिर मेनली स्क्लेरोडर्मा और एलर्ट डायनोस सिंड्रोम से एसोसिएट रहता है, ठीक है। अब आते हैं अपन इसके क्या बोलते हैं साइड पे, चेस्ट वॉल हो गया, स्टर्नम हो गया, लोअर नेक ऑफ लोअर नेक हो गया, इन फ्रंट में, ठीक है, अपर आर्म हो गया। डीडी क्या इसका एपोट्रोफिस स्कार है, ट्रीटमेंट क्या देंगे, ट्रीटमेंट ध्यान से देखना, ट्रीटमेंट क्या है, पहले अपन क्या देंगे इसको, ट्राई एमिक्रॉन देंगे इसको, ठीक है, फिर अपन इंजेक्शन देंगे स्टीरॉयड का, फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर इंजेक्शन देंगे, ठीक है। स्टीरॉयड थेरेपी दे सकते हैं अपन, और मिथोट्रेक्सेट दे सकते हैं, विटामिन ए दे सकते हैं अपन, है ना, विटामिन ए दे सकते हैं अपन, और रेटिनॉइड थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है, सिलिकॉन थेरेपी दे सकते हैं हम, सिलिकॉन थेरेपी दे सकते हैं, और फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके स्किन ग्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्किन ग्राफ्ट कर सकते हैं, और फिर आप क्या कर सकते हो, लेजर थेरेपी दे सकते हो, लेजर थेरेपी, ठीक है, और विटामिन ई, ठीक है, काफी है, इतना लिखो काफी है।
अब आते हैं हाइपोट्रोफिस कार में आते हैं, ये क्या है? देखो क्लियोइड क्या है, वो पर्टिकुलर कहीं पे हो रहा था, जैसे कि स्टर्नम में, चेस्ट वॉल में, है ना। लेकिन जो हाइपोट्रोफिस कार है ना, वो अकर्स एनीवेयर इन द बॉडी, वो कहीं भी हो सकता है। उस पे क्या था, वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज था, फैमिलियल था, लेकिन ये नॉट जेनेटिकली प्रीडिस्पोज और नॉट फैमिलियल। ये 6 मंथ तक ही बढ़ता है, 6 मंथ के बाद ये नहीं बढ़ता, ठीक है। ये सिर्फ स्कार टिश्यू तक ही लिमिट रहता है, इसके बाद वो नॉर्मल स्किन में नहीं जाता है, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस इंप्रूवमेंट विद स्किन टाइम्स अकर कॉमनली, ठीक है। वो कैसे, हाँ कलर, वो कैसा कलर का था, पिंकिश कलर का हो सकता है, ब्राउनिश ब्लैक कलर का हो सकता है, ठीक है। ये कैसा है, ये पेल ब्राउन है कलर में, और पेनफुल नहीं होता है ये, और नॉन टेंडर रहता है, और ये इचिंग भी नहीं होता है, ठीक है। इचिंग इस पे एब्सेंट रहता है, हाँ क्लियोइड में इचिंग रहता है, पेनफुल रहता है, टेंडरनेस रहता है, और आपका ब्राउनिश ब्लैक कलर का रहता है। ये क्या रहेगा, पेल ब्राउन रहेगा, पेल ब्राउन रहेगा, इसमें पेन नहीं रहेगा, इसमें इचिंग नहीं रहेगा, टेंडरनेस नहीं दिखेगा हम लोग को, ठीक है। खुद अपने आप ठीक हो जाता है, और ये स्टेरॉइड इंजेक्शन के बाद अच्छा वो देता है। ये रिकरेंस अनकॉमन है, बार बार नहीं होता, ठीक है। और ये कहाँ होता है, इट इज कॉमन इन वुंड क्रॉसिंग टेंशन डीप डर्मल बर्न वुंड हील्ड बाय सेकेंडरी इंजेक्शन, वहां पर ये कॉमनली होता है, ठीक है। और ऑफन दिस स्कार ब्रेक्स रिपीटली एंड कॉजेस इंफेक्शन पेन, आफ्टर रिपीटेड ब्रेक डाउन इट मे टर्न इन टू मार्जिनल अल्सर, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, इसको अपन कंट्रोल करते हैं, प्रेशर गार्मेंट से कंट्रोल कर देंगे अपन, और ऑफन रिविजन करेंगे, बार बार एक्सरे और स्कार देंगे, क्लोजर देंगे, इफ रिक्वायर्ड स्किन ग्राफ्ट करेंगे, और सेम है इसमें ट्राइबिकुलर इंजेक्शन दे सकते हो आप, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंस, डिफरेंस पूछे क्या, फिर टॉपिक अलग अलग पूछ लेगा आपको। डिफरेंस क्या है, देखो जेनेटिक इसमें रहता है, इसमें नहीं आता है ना, इसमें चेस्ट वॉल में होगा, अपर आर्म में होगा, लोअर नेक में होगा, और ईयर में होगा, इसमें क्या कहीं भी हो सकता है ये, ठीक है। और ये कंटिन्यू ग्रो करता है विदाउट एनी टाइम लिमिट, ये 6 मंथ के अंदर तक ग्रो करता है। ये नॉर्मल स्किन में जाता है, नॉर्मल स्किन में नहीं जाता है, सिर्फ स्कार टिश्यू का ही रहता है। इसमें ट्रीटमेंट पोअर रेस्पॉन्स है, इसमें अच्छा रेस्पॉन्स है। रिकरेंस पे हाई होता है, बार बार होता है, ये बार बार नहीं होता है, ठीक है। ये आपका कोलेजन सिंथेसिस से 20 टाइम्स मोर देन रहता है, इससे 3 से 6 टाइम्स मोर देन नॉर्मल रहता है। इसमें आपका एज क्या, ये मेनली एज बड़ों को दिखता है, और एडिशन दिखता है ये बच्चों में दिखता है, ठीक है। फीमेल से कॉमन रहता है, ये दोनों में रहता है, ये ब्लैक्स में कॉमन रहता है, ये ऐसा कोई इशन नहीं है इसका। इसका आपका क्या रहता है, इमेच्योर रहता है, इमेच्योर कोलाजन रहता है, इसमें मैच्योर कोलाजन रहता है, ठीक है, मैच्योर कोलाजन। और फिर इचिंग रहेगा, पेन रहेगा, या टेंडरनेस रहेगा, इसमें नॉन इचिंग रहेगा, नॉन मस्कुलर, नॉन टेंडर, ठीक है। और उसका काफी इतना, तो यहाँ पे चैप्टर खत्म, आपका वो चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अल्सर चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो इसे इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।